महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जनसभा ने संबोधन करी रहा है। सीधा जाइए त्यां। नोटबंदी की बात करते हैं, आपको क्या क्या दिया मैं बता रहा हूं। नोटबंदी की बात करते हैं, काले धन के खिलाफ लड़ाई बोला था ना, बोला था। आप लाइन में खड़े थे, याद है आपको? आप जो यहां बैठे हो आपको याद है? हाँ, जो हाथ हिला रहे हैं याद है ना? अच्छा एक बात बताओ, लाइन में अनिल अंबानी दिखा था, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी नहीं दिखे? आपने ईमानदार लोगों की लाइन देखी? माताओं बहनों से पैसा लिया गया, छीना गया? मुझे एक बात समझा दो, अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो ये लाइन में ईमानदार लोग सब क्यों खड़े थे? क्योंकि चौकीदार ये, अब आपसे पैसा छीना लाखों करोड़ रुपए और कर्जा माफ उनका किया, फिर से बोलो, चोरों का कर्जा, ये कौन थे मैं बताता हूं। 30,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, 30,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 45,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या, ललित मोदी, ये लोग थे। अब छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, छोटे व्यापारियों की बात करते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की बात करते हैं। पहले आपकी पीठ तोड़ी, आपसे कहते हैं 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं, उसके बाद कहते हैं चलो बात नहीं बनी, चलो गब्बर सिंह को लाओ, चलो गब्बर सिंह को लाते हैं, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स, और सबके सब व्यापारियों को खत्म कर दिया। और छत्तीसगढ़ के व्यापारी जो छोटा बिजनेस मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लो, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, 2019 में ये जो इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है, 5 अलग अलग टैक्स बना रखे हैं, आपका खून चूसते हैं, इस गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल के सच्चा जीएसटी बना देंगे। एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होंगे, और आपको आज जो लोग तंग करते हैं, आपसे पैसा छीनते हैं, चोरी करते हैं, वो आप पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। आप ईमानदारी से काम करोगे, एक टैक्स होगा, सिंपल सा टैक्स होगा, आप अपना सिंपल सा टैक्स दोगे और गब्बर सिंह टैक्स को हम खत्म करके जीएसटी लागू कर देंगे। आखिरी बात में छत्तीसगढ़ बस्तर से कहना चाहता हूं, देखिए आपका मेरा पुराना रिश्ता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो,